कोरबा जिले के स्वास्थ्य विभाग ने पिछले दिनों 243 पद विज्ञापित किए थे जिला सोमवार के अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के। उनमें से कुछ पदों के जो मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। 25 तारीख डेट पर ये इश्यू हुआ है और आज जो बोर्ड की वेबसाइट पर ये दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, ये जीरो पीरियड और आज एक रिजल्ट अनाउंसमेंट है। ये रिजल्ट है आरएचओ और ड्रेसर का। आरएचओ का जो पोस्ट था मेल फीमेल दोनों के लिए था और ड्रेसर का भी ग्रेड 1 ग्रेड 2 दोनों था। तो इसमें कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा ने पद विज्ञापित किया था और इसका जो कार्यभार था वो पूरा का पूरा जेएसएसबी बिलासपुर का था। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर ने ये पूरा के पूरा प्रक्रिया निपटाई है। तो इसमें मेरिट लिस्ट यानी कि अनंतिम प्रावीण्य सूची डिक्लेयर किया गया है। ये अलग अलग नोटिफिकेशन है, मैं आपको सारे नोटिफिकेशंस दिखा दूंगा। इसके अलावा इसकी जो सूची है वो काफी लंबी है, मैं आपको उसकी एक झलक दिखा दूंगा। और अगर आप पूरी सूची देखना चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर वो सूची उपलब्ध है, आप जाकर के वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको वो पूरी सूची दिखा पाऊँ। तो कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम चैनल पर आपको वो मिल जाए। मैं नोटिस आपके लिए पढ़ देता हूँ। कार्यालय विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर का विज्ञापन क्रमांक 762 का हवाला दे रहा है वो, और कहता है कि 15/3/15/3 को ये परीक्षा हुई थी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा के द्वारा। परीक्षा तो नहीं हुई थी, संभवतः इसके लिए जो पद विज्ञापित किए गए थे 243 उसकी जानकारी दे रहा है। ये पत्र क्रमांक 15/15/3 की डेट का पत्र क्रमांक था। ये जो 243 पद थे 243, इसमें ग्रेड 3 और ग्रेड 4 दोनों के कैटेगरी के पद थे और उक्त विज्ञापन के संबंध में विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे 21/3 से 10/4 तक। निर्धारित अंतिम तिथि तक आरएचओ यानी कि ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए कुल 491 पद प्राप्त आवेदन प्राप्त हुए थे और उनमें जो जानकारी दी गई थी उसके आधार पर विभाग ने निर्धारित मापदंड जैसे शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और कोविड के दौरान जो उनका किया गया काम है उसका बोनस, तो ये सबको मिलाकर के एक टेंटेटिव प्रावीण्य सूची यानी कि टेंटेटिव मेरिट लिस्ट कहें या अनंतिम प्रावीण्य सूची कहें वो तैयार की गई है। उसका प्रकाशन 25 तारीख की डेट पे बोर्ड की वेबसाइट पे कर दिया गया है। ये 25 तारीख की डेट पे बोर्ड पे ये प्रकाशन कर दिया गया है। आप बोर्ड का आईडी ये देख सकते हैं, मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसके अलावा जैसे मैंने कहा ये पूरी सूची आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी देख पाएंगे, मैं उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अपने परिणाम का अवलोकन बोर्ड के वेबसाइट पर कर सकते हैं। अभ्यर्थी दिनांक 26/5 तक, अगर आप कोई सूची में कोई आपत्ति है, किसी तरह का कोई दावा प्रस्तुत करना चाहते हैं तो सीएमओ ऑफिस में यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस में जिला कोरबा यहां पर आप अपना दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि मैं कोई भी सूचना तथ्यगत रूप से जब तक सही नहीं होती तब तक अपने चैनल पर नहीं देता। तो आप देख सकते हैं नीचे परीक्षा नियंत्रक का हस्ताक्षर है, विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर का, इनके द्वारा रिलीज किया गया ये ऑर्डर है और इसके बेसिस पे मैंने ये सूचना आपको दी है। एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखा देता हूँ सूची की, जिसपे ये पूरे नाम होंगे आपके। ये देखिए कुछ इस तरह की सूची है, काफी लंबी सूची है, 27 पृष्ठ की ये सूची है। तो यहाँ पर उसको मैं दिखा पाऊँ ये संभव नहीं है मेरे लिए। आप मेरा चैनल टेलीग्राम का जो है उसका लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जो सूचना है उसी के अनुक्रम में ले लीजिए आप इसको, क्योंकि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन इशू हुआ है। तो इसमें ये ड्रेसर ग्रेड 1 का है। ड्रेसर ग्रेड 1 का जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट है उसके बारे में ये बात करता है। रेफरेंस वही है 762 लेटर नंबर का और 15/3 का जो पत्र था जिसमें 243 पद विज्ञापित किए गए थे, सारी जानकारी उसी के तरह दिया गया है। बस इसमें यह बताया गया है कि जो 60 आवेदनों पर अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से दी गई जानकारी के आधार पर जो मापदंड थे शैक्षणिक योग्यता, कोविड और एक्सपीरियंस, इसके लिए टोटल 60 एप्लीकेशंस आए होंगे। तो इन 60 एप्लीकेशंस की जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट है वो प्रकाशित की जा रही है। और इसमें अगर आपको कोई आपत्ति हो, दावा करना हो आपको, तो आप वैसे ही 26 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक इसको कर सकते हैं, यानी आज से लेकर के 5 तारीख तक आप इसमें दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।
ये ड्रेसर वन का है, इसमें कुल 60 लोगों की सूची है ऐसा ये कह रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक झलक उसकी सूची की, ये भी काफी लंबी है, ये 5 पेज की है, 5 पेज में इसको समेटा गया है। आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस तरह से इसमें हेडिंग बनाया गया, अनंतिम प्रावीण्य सूची, और इसमें फिर आपका पूरा कैटेगरी, डोमिसाइल, और क्या आपके मार्क्स थे, और ये सारी चीजें, आपका कोविड का मार्क्स, बोनस मार्क्स, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं, और टोटल इन ऑल आपका रैंक क्या बनता है, ये सब कुछ इसमें बताया हुआ है। एक और नोटिफिकेशन उन्होंने साथ में दिया है जो ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए है। आप अगर देख पा रहे होंगे तो ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन है, और बाकी रेफरेंस वही है जो पिछले लेटर्स में है, 762 जो इसका विज्ञापन क्रमांक था, 15/3 का विज्ञापन था, 243 पद विज्ञापित किए गए थे। अब की बार ड्रेसर ग्रेड 2 में 486 पद आवेदन आए थे। ये 486 आवेदन का जो मेरिट लिस्ट है वो बनाया गया है, और उसको भी आप उसी तरह से 25 तारीख की डेट पर रिलीज हुआ है, और 5 तारीख की डेट तक आप इस पर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सारा कुछ वही चीजें हैं जो आपको पहले लेटर पे मैंने बताया, बस तीनों लेटर, चारों लेटर की मैंने एक एक करके आपको एक स्नैपशॉट दिखा दिया, ताकि आप ये समझ पाए कि लिस्ट में अलग अलग नोटिफिकेशन किस तरह से हमको देखना है। तो ये सारी चीजें आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर पाएंगे, और वहां से अपने नाम को देख सकते हैं कि आप किसकी सूची में कहां पर आपका नाम है। इसके अलावा बोर्ड की अपनी वेबसाइट है, बोर्ड की अपनी वेबसाइट में सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप अगर चाहें तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई दिक्कत हो तो आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप जा करके देख सकते हैं। और ऑथेंटिसिटी अगर आप चेक करना चाहें तो हर लेटर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ परीक्षा नियंत्रक का हस्ताक्षर है, और उसके आधार पर यह सूचना या जानकारी मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की सूचना, इसके अलावा इन परीक्षाओं से संबंधित सिलेबस के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख पाते होंगे। चैनल पर बने रहेंगे तो इसी तरह की सूचनाओं से आपको तत्काल जानकारी हो जाएगी और आप तक सूचनाएं पहुंच जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि ये जो सूचना थी या ये जो जानकारी थी आपके काम की रही होगी, और आपने इसको पूरे ध्यान से सुना होगा। आपने इसे अगर डाउनलोड करना चाहा तो आप जाकर के चैनल पर डाउनलोड भी कर पाएंगे, बोर्ड की वेबसाइट पर भी जा डाउनलोड कर सकते हैं। एक मैं और चीज बता दूं इसमें, ये बोर्ड की वेबसाइट का ऊपर पता दिया है, ये बोर्ड की ईमेल का भी आपको आईडी मिल रहा है। दावा आपत्ति के लिए आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे संदर्भों के साथ आप इस पर भी दावा आपत्ति कर सकते हैं। मैं एक बार पत्र का संदर्भ देख लूं, शायद दावा आपत्ति के लिए अगर खुद को उपस्थित होने कहा गया होगा, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है पत्र में। अभ्यर्थी दिनांक इतने से इतने तक जिला एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा में दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, केवल इतना लिखा है। इसका मतलब आप ईमेल से भी भेज सकते हैं, और उसके अलावा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सारे साक्ष्यों के साथ भी दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में, मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई सूचना के साथ। तब तक इंतजार करिए, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।